हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। यहां पर आप देख सकते हैं आपके लिए इतनी अच्छी जबरदस्त ड्राइंग मैं लेके आया हूं। एक इंडस्ट्रियल ड्राइंग आपके सामने यहां पे है जिसका 3D मॉडल हमारे पास है। इसके अलग अलग व्यूज हमको दिखा रखा है। यहां पे देख सकते हैं इसका जो मेन व्यू है, फ्रंट व्यू है, इसका राइट साइड व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है और ये इसका सेक्शन व्यू है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी लाइन है, किस तरह से हम ड्रॉइंग पढ़ते हैं। जो बिगनर्स है, बेसिक्स है, उनके लिए भी है, बहुत काम की वीडियो भाई, ठीक है। और ये कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये हमको कैसे पता चला, इस वीडियो में मैं सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, जो इसका 3D मॉडल है उसको देख लीजिए। 3D मॉडल से क्या है कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पे देखिए ये इस तरह का यहाँ पे स्लॉट कटा हुआ है। और ये देखिए ये वाला जो फ्लोर है ये थोड़ा नीचे है और ये थोड़ा हाइट पे है। यहाँ पे ये थोड़ी सी डेप्थ बनी हुई है, यहाँ पे ये रेडियस है, ये रेडियस बनी हुई है, ठीक है। ये इस तरह का ये एक स्लॉट बना हुआ है और ये यहाँ पे रेक्टेंगल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेक्टेंगल बना हुआ है। इसके हमारे पास 3 व्यू दे रखे है। ये वाला व्यू आप देखेंगे, ये व्यू है फ्रंट व्यू और ये है इसका टॉप व्यू और ये है इसका राइट साइड व्यू। ठीक है, और ये है इसका सेक्शन व्यू। अब इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से ये कहां कहां से दे रखे हैं। अब देखिए जो फ्रंट वाला व्यू है ना, ये किधर से देखा हुआ है। फ्रंट व्यू देखने पे आपको पता चलेगा कि ये कहां से देखा हुआ है, किस साइड से देखा हुआ है। ये आपको देख के ही क्लियर होना चाहिए। ये इस साइड का व्यू है भाई। यहां से मैं इसको खड़ा होकर अगर देखूं और इस पार्ट को ऐसे कर दीजिए आप, तो आपको दिखाई देगा। 3D मॉडल मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया घुमा के ताकि यहाँ पे आपको इजीली दिख सके। तो क्या है कि इस पार्ट को आप ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे देखिए ये स्लॉट आपको दिख रहा है, ये वाला स्लॉट है। मैं इधर से इस साइड से देख रहा हूं तो, और यहाँ पे देखिए ये मेरे को ये वाला रेक्टेंगल ये यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसके पीछे देखिए यहाँ पे एक रेडियस बनी हुई है, यहाँ पे पता हमको चल रहा है यहाँ एक रेडियस बनी हुई है, ठीक है। पीछे ये थोड़ी डेप्थ के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली डेप्थ इधर ये दिखा रखा हमको, ये वाला हिस्सा है ना। और इसके अंदर कुछ हिडन लाइन यूज कर रखे हैं। हिडन लाइन कौन सी भाई, ये जो रेड कलर की जो भी है ना, ये हिडन लाइन है। हिडन लाइन क्या होती है, हिडन लाइन वो होती है, इनको डोटेड इस तरह से डोटेड डस 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 करके शो की जाती है भाई, ठीक है। जो हमको इस फीचर में दिखाई नहीं दे रहा ना, वो हिडन लाइन से हम यूज करते हैं। अब मैं इस पार्ट को इधर से देखूं फ्रंट व्यू से, अब मेरे को क्या दिखेगा, ये वाली बाउंड्रीज तो दिख जाएगी, लेकिन ये अंदर का जो कटा हुआ हिस्सा है ये वाला, ये मेरे को थोड़ी ना दिखेगा, नहीं दिखेगा ना, पीछे छिप जाएगा। अब इसकी जो बाउंड्रीज है वो हमको यहाँ पे दिखा दी है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको 4 लाइन दिखेंगी, एक तो यहाँ का एरिया, एक ये, एक ये, एक ये, इसकी ये वाली लाइन है यहाँ पे देखिए, थिकनेस में दे रखा है, ये वाले ये कॉर्नर, ये इस तरह से और इधर ये, तो इस तरह से इसकी ये 4 लाइन है। ये हमको दिख नहीं रही, लेकिन यहाँ पे ये फीचर से पता चल रहा है कि हाँ इसके अंदर इस तरह का कुछ बना हुआ है, कुछ बाउंड्री बनी हुई है जो हमको इस व्यू में नहीं दिख रही, लेकिन दूसरे व्यू में दिख रही है। देखिए इस वाले व्यू में आप देखेंगे तो हमको ये वाले जो फीचर है ये दिख रहा है, यहाँ पे टॉप व्यू में हमको दिखाई दे रहा है जब हम इसको ऊपर से देखेंगे। तो ये जो मोटी लाइनें होती है इनको बोलते हैं विजिबल लाइन। कौन सी लाइन होती है, विजिबल लाइन, जो हमको दिखाई देता है वो विजिबल एरिया होता है, विजिबल लाइन से शो करते हैं। जो छुपा हुआ होता है उस व्यू में नहीं दिख रहा है, वो हिडन लाइन से शो कर देते हैं। और ये इस तरह की जो तीर वाली लाइन है ना दोस्तों, इस लाइन को हम बोलते हैं डायमेंशन लाइन। ये लाइन होती है डायमेंशन लाइन, और उसके साथ में ये वाली जो लाइन है ना, इन लाइनों को हम एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलते हैं, एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन दोनों आपको साथ में देखने को मिलेंगी। यहां पे आप देख सकते हैं ये वाली जो है ना, ये वाली है सेंटर लाइन, क्योंकि ये सेंटर के अंदर है। सेंटर लाइन का काम ये होता है कि वो सेंटर दिखाए कि सेंटर कहाँ पे है, सेंटर से गुजरती है सेंटर लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कटिंग प्लेन लाइन है। कटिंग प्लेन लाइन की क्या खासियत होती है, ये चैन लाइन रहती है इस तरह से,
एक डैश बड़ा, एक डैश छोटा, एक डैश बड़ा, एक छोटा, इस तरह से। और उसके जो किनारे होते हैं ना एंड्स, वो मोटे होते हैं। यहाँ पे देखिए दिखा रखा है। उसके साथ आपको ऐसे एरो मिलेगा, उसका नाम मिलेगा, जैसे ये ए दे रखा है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन। इसको यहां से कट करके फिर हमको यहाँ पे दिखा रखा है सेक्शन ए, इसका नाम भी हमको दे रखा है। ठीक है, ये लाइन कौन सी? कटिंग प्लेन लाइन। और कटिंग प्लेन लाइन का पार्ट कट करने के बाद में जो ये वाली आप लाइन देख रहे हो ना, इन लाइंस को हम बोलते हैं हैचिंग। ये लाइन होती है हैचिंग लाइन होती है, या फिर हमको इसको बोल देते हैं सेक्शन लाइन। ठीक है दोस्तों, या तो हैचिंग लाइन बोल देंगे या फिर हम सेक्शन लाइन बोल देंगे। तो इस तरह से आपकी जो टाइप ऑफ लाइन है वो तो आपको पता चल गया कि कौन कौन सी लाइन किस तरह से शो की जाती है। अब फ्रंट व्यू में मैंने आपको बता दिया कि कहां से कटिंग प्लेन लाइन है, कहां से हिडन लाइन है। ठीक है, अब इनके डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी डायमेंशंस है। यहाँ पे इसकी, यहाँ पे देखिए जो इसकी टोटल मोटाई है ना, ये वाली मोटाई, ये मोटाई हमको दे रखी है यहाँ पे 12 mm। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, ये नीचे वाला, ये 9 mm है और ये वाला 3 mm है। ये वाला 9 mm और 3 mm ये हमको दिखा रखा है। ठीक है, 9 और 3 टोटल कितना हो गया? यहाँ पे देखिए टोटल 12 हो गया। ये छोटा वाला जो कट नीचे हिस्सा, ये 9 mm का है। क्लियर आपको? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, यहां से लेके और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमको दे रखी है 115.5। ठीक है, क्लियर है? आपके यहाँ पे रेडियस दे रखी है R17 की और R14 की। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये रेडियस है, एक ये रेडियस है। एक रेडियस आपकी R14 की है, एक रेडियस आपकी R17 की। ठीक है, जो ये ऊपर वाला आप देख रहे हो ना, इसमें R14 की रेडियस है, हमको यहाँ पे डबल रेडियस इसलिए दिखाया हुआ। क्लियर आपको? रेडियस आप समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपके यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये जो कटा हुआ हिस्सा है, ये नीचे का, यहां से ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से के और यहाँ पे आप देखेंगे एक हमको ये रेक्टेंगल दे रखा है, यहां से ये रेक्टेंगल है और उसके नीचे यहाँ पे ये वाला हिस्सा है। इस रेक्टेंगल के नीचे है थोड़ा सा, मतलब डेप्थ है, उस डेप्थ में यहां तक की जो दूरी है वो 6 mm। 3D मॉडल में हमको ये दिख नहीं रही, लेकिन यहां से हमको क्लियर हो रहा है। क्या क्लियर हो रहा है? कि ये वाला जो हमको रेक्टेंगल दिख रहा है वो तो ये रहा भाई, ये इतना हिस्सा है। ये कौन सा है? ये वाला हिस्सा है। अब इससे ना थोड़ा सा नीचे होके फिर हमारी ये रेडियस है यहां पे जो बन रही है, वो इस व्यू में हमको दिख नहीं रही है। तो ये कितनी डिस्टेंस है यहां से यहां तक की? 6 mm है। और यहां पे हमको एक इक्वलिटी का सिंबल और दिया गया है, किस कहां पे? ये देखिए, ये आपकी डायमेंशन लाइन यहां पे दे दिया है, यहां पे बराबर, फिर बीच में ये एक लाइन और यहां पे बराबर। ये क्या कह रहा है? ये जो स्लोट है ना, ये वाला जो स्लोट है ना, इसमें इधर की दूरी और ये इधर की दूरी, ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। कुल मिला के जो इसका सेंटर एक होना चाहिए, मतलब सेंटर से इधर और इधर दोनों तरफ क्या है? बराबर है। इस सिंबल को इक्वेलिटी का सिंबल बोलते हैं। ठीक है, ये इक्वल है। और हमको क्या दे रखा है? ये जो स्लोट है इसके लिए हमको दे दिया है R8.5। ये जो देख रहे हो ना आप, R8.5 की दे दिया, मतलब ये जो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? 17, क्योंकि R हमको दे रखा है, अगर डायमीटर की बात करें तो इसका डबल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिखा भी रखा है 17 mm इसकी विड्थ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप ये चैम्फर देखेंगे तो 3x45 का है। ये जो चैम्फर देख रहे हो ना, ये चैम्फर, ये कितने का? 3x45। 3 mm तो इसकी लेंथ है भाई, इसकी जो लंबाई है ना वो तो है 3 mm। और जो एंगल है, इसका एंगल है वो 45 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है? 45 डिग्री का एंगल है। तो 3x45 इसको दिखा रखा है। यहां से लेके यहां तक की जो इसकी चौड़ाई है, ये वाली जो चौड़ाई है यहां से यहां तक की, ये चौड़ाई हमको दे रखी है 35 mm। ठीक है दोस्तों, अब ये जो स्लोट बना हुआ है ना, ये वाला, इसकी पोजिशन हमको दे रखा है ऊपर वाली बाउंड्री से लेके इस स्लोट की, ये वाली जो रेडियस का सेंटर है ना, यहां तक की दूरी 17.5 है। ठीक है, अब इस सेंटर से लेके जो नीचे वाला ये सेंटर है, यहां तक की दूरी है 16.5। अब यहां से लेके और यहां तक ये नीचे की ये दूरी दे रखी है हमको 33। ठीक है, और फिर इसका जो बॉटम है वहां तक की दूरी, यहां से लेके और इसके बॉटम की दूरी है 20। अब टोटल हाइट की बात करें, यहां बॉटम से लेके और टॉप तक की जो हाइट है वो हमको 87 यहां पे दे रखी है दोस्तों। ठीक है, यहां से लेके और यहां तक की जो टोटल हाइट हमको 87 दे रखी है। फ्रंट व्यू की सारी डायमेंशन क्लियर होगी।
अब ये थोड़ा सा काट करके दिखा रखा है, तो कटिंग प्लेन लाइन में आपको पहले बता देता हूँ कि किस तरह से काटा। अब मैं क्या करूंगा, इस पार्ट को या देसी कटिंग प्लेन लाइन से इसको काट दिया, तो इसका मतलब क्या है कि जहां से ये जो इसका सेंटर है, यहां से इस पार्ट के दो टुकड़े कर दूंगा मैं। मैंने आरी ली, इस पार्ट के दो टुकड़े कर दिए। दो टुकड़े करने के बाद में यहाँ पे देखिए ये एरो बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसके दो टुकड़े कर दिए, एक तो ये इधर का टुकड़ा रहा, एक ये टुकड़ा रहा। तो ये वाला टुकड़ा मैं फेंक दूंगा, जिधर ये एरो है उस साइड वाला टुकड़ा मेरे को देखना है। अब इसके दो टुकड़े किए, अब उधर से मैं देख रहा हूँ, ये वाला तो मैं देखूंगा नहीं, ये मेरे को नहीं देखना है, ये वाला मेरे को देखना है। इसको घुमा करके और जब दिखाऊंगा तो आपको किस तरह का दिखेगा भाई, इस तरह का दिखाई दे, कैसे देख लो आप चाहे। यहाँ पे ये वाला खाना और ये देखिए यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रही, और ये देखिए ये जो स्टेप सा बना हुआ 3 mm वाला, यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 mm वाला स्टेप है। ये टोटल थिकनेस 12 mm दे रखी है हमको, कहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे भी दे रखी है, ये 12 mm देखिए, इधर ये पूरी की पूरी 12 mm दे रखी है। इस पार्ट को जब आप इमेजिन करके देखिए, यहां से काट देंगे, इस पार्ट को आपको दिखाने के लिए इधर से आप देख रहे हैं तो कैसा दिखाई देगा आपको, वो इधर हमको दिखा दिया, ठीक है। और जहां पे जैसे मैंने आरी लेके इसको कट किया, यहां तक देखिए इसमें मटेरियल था, जहां पे मटेरियल होता है वहां पे हैचिंग लाइन रहती है। अब यहाँ पे ये खाली है, यहाँ पे हैचिंग मिलेगी नहीं, फिर यहाँ पे मटेरियल है, तो आप देख सकते हैं जहां पे मटेरियल था वहां पे आपको हैचिंग लाइंस मिलेंगी। ये हैचिंग लाइन 45 डिग्री की होती है, इनसे हमको पता चलता है कि जहां पे कटिंग प्लेन लाइन मटेरियल को टच करके गई है वहां पे हैचिंग है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला, ये ऊंचा वाला हिस्सा तो इधर ये वाला है, ठीक है। इधर देखिए जब मैं इसको इधर से देखूंगा, ऐसे घुमाऊंगा तो ये बड़ा वाला हिस्सा, ऐसे घुमाने पे बड़ा वाला हिस्सा तो इधर आ जाएगा और ये नीचे वाला हिस्सा इधर रह जाएगा, आप देख सकते हैं, है ना। अब देखिए इसमें दे रखी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो दे रखी हमको 17, और इसमें यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 28। अब कौन सी डिस्टेंस है भाई, ये वाली डिस्टेंस 17, ये वाली डिस्टेंस 28, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो दे रखी हमको 18 mm। यहाँ पे देखिए 9 mm बोल रहा है, 9 mm ये वाली थिकनेस बोल रहा है, ये वाली थिकनेस 9 mm है जो हमको यहाँ भी दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अब आपको पता चल गया कि हमको किस तरह से सेक्शन व्यू दिखाया गया। अब बात करें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में आप देखिए ये कौन से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में, ये है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। ये मेरे को कैसे पता चला बिना सिंबल के, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको पता है क्या खासियत होती है, चार क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हमारा यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है और इधर से अगर ऑब्जर्वर देख रहा है, इधर से अगर ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसका यहाँ पे बनेगा प्रोजेक्शन, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है और बीच में आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, पीछे बनता है प्रोजेक्शन, ठीक है। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की खासियत है। तो यहां से हम देख रहे हैं इसको ऊपर, जब ऊपर से आप यहां से आप देख रहे हैं, यहां पे ऑब्जर्वर है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये क्या है हमारा, इसको हम देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है दोस्तों। अब इसको देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन हमको कहां पे दिखा दिया, नीचे की तरफ। ये कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट बीच में आता है, प्रोजेक्शन पीछे रहता है, तो कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहता है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहता है। सेम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इधर से देखूंगा, राइट साइड में खड़ा होकर देखूंगा, तो इसका प्रोजेक्शन बन रहा है लेफ्ट में, इस पार्ट के पीछे, तो कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको पता चल गया। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, ये टॉप व्यू टॉप में रहता और ये वाला व्यू उस साइड में आ जाता, बाकी सब कुछ सेम रहता, डायमेंशन कोई भी चेंजेस नहीं होती, ठीक है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका क्लियर है। अब ऊपर से मैं इस पार्ट को देखूंगा, यहां ऊपर से आप देखेंगे क्या क्या दिखेगा आपको, ये वाला हिस्सा दिखेगा, दिखेगा आपको, यहां पे देख सकते हैं आप, दिख रहा है भाई, ये वाली ये रेडियस वाला हिस्सा यहाँ पे देख सकते हैं, ये बीच वाला ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला हिस्सा है, और ये इधर का ये पूरा पूरा हमको टॉप व्यू में दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो डायमेंशन दे रखे आप देख सकते हैं, यहां से लेके यहां तक की लंबाई 133 हमको दे रखी है, ये कितनी दे रखी है, 133 mm, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक की लेंथ हमको 98 दे रखी है, आप देख सकते हैं यहां से लेके और यहां तक की लेंथ दे रखी है 98, और इसकी देखिए यहां से लेके और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमको 48 दे रखी है, ये वाली, यहां से लेके और यहां तक की आप डिस्टेंस देखेंगे, ये डिस्टेंस हमको दे रखी है 48 mm, ठीक है दोस्तों, क्लियर है।
अब यहां से लेके और इधर की जो बाउंड्री है वहां तक की डिस्टेंस, यहां तक की, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये हमको दे रखी है 33 mm। ठीक है, मतलब ड्रॉइंग देख के आपको क्लियर होना चाहिए। यहां से इधर से आप देखेंगे इसकी पोजीशन इस साइड से, यहां से इसकी यहां तक की जो पोजीशन है, यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमको 18 mm दे रखी है। इसमें भी हमको दिखा रखा था, यहाँ पे देख सकते हैं आप 18 mm, ये वाली 18 mm है, ये वाली 17 mm है, यहाँ पे दिखा रखा है और यहाँ पे भी हमको दिखा रखा है। देखिए ये 17 mm है, ये हमारी 18 mm है। ठीक है, क्लियर है। इसकी ये वाली आप देखेंगे ये 14 mm है और ये वाली 14 mm है, तो ये टोटल कितना हो गया 28। ये हमको यहाँ पे भी दिखा रखा है, कौन सा, ये वाला टोटल 28 हो गए। ये कटिंग इस वाले में भी दिखा रखा है और इधर भी हमको दिखा रखा है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं इसकी टोटल विड्थ की बात करूं तो 63 mm दे रखी है, यहां से यहां तक की जो हमको दे रखी है वो दे रखी है 63 mm। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे देखिए ये 48 mm दे रखी है, यहां से लेके यहां तक की कितनी दे रखी है 48 mm। इसकी स्टार्टिंग पोजिशन 19 दे रखी है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वो दे रखी है हमको 19 mm। ओके, अब हिडन लाइन की मैं बात करूं, जब ऊपर से देखेंगे तो हमको ये स्लॉट दिखाई नहीं देगा भाई, तो स्लॉट नहीं दिखाई देगा, तो ये उसकी हिडन लाइन हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये दोनों लाइन तो हो गई आपकी स्लॉट की, यहाँ ऊपर से मैं देखूंगा तो यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा है, तो एक ये लाइन एक ये लाइन, ये तो हो गई स्लॉट की लाइन। अब इसके नीचे ये देखिए, नीचे जो इसके नीचे जो बन रहा है, इसके नीचे यहाँ पे जो बन रहा है उसके लिए ये वाली हिडन लाइन है। ठीक है, क्लियर है। अब राइट साइड से, अब इधर से मैं इस पार्ट को देखता हूं, इधर से आप इस पार्ट को देखें, ये वाली बाउंड्री आपको पूरी दिखाई देगी, ये रेडियस दिखाई देगी, ये वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा, यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जब ये वाला हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है तो ये क्या है, ये दोनों हिडन लाइन किसकी है, ये स्लॉट की। जब मैं इधर से देख रहा हूं तो स्लॉट दिखेगा नहीं, यहां पर इसकी हिडन लाइन आएगी, तो देख सकते हैं आप यहां पर इसकी हिडन लाइन है और हमको क्या दे रखा है, यहां से लेके यहां तक की जो इसकी हाइट है, यहां से लेके यहां तक की हाइट हमको दे रखी है 61 mm। ठीक है, इसकी विड्थ दे रखी है, इसकी चौड़ाई दे रखी है हमको, ये दे रखी है 21 mm, यहां पे देख सकते हैं आप 21 mm हमको दे रखा है। यहां रेडियस दे रखी है, ये वाली रेडियस दे रखी है, यहाँ पे R4 और R4 की रेडियस है कौन कौन सी, इधर आप देखेंगे इस कोने में और इस कोने में, दोनों जगह पे R4 की रेडियस है। जब हम इधर से देख रहे थे ये रेडियस बन रही है, यहाँ पे एक रेडियस बन रही है, R4 की रेडियस है। ठीक है, और हमको क्या दे रखा है भाई, ठीक है, और हमको क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए इसकी ये वाली डिस्टेंस दे रखी है। जब हम इधर से देख रहे हैं तो इसकी यहां से लेके और यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से लेके और यहां तक की डिस्टेंस हमको दे रखी है 63, और यहां से लेके यहां तक की, यहां से लेके और यहां तक की टोटल दे रखी है हमको 70 mm। ठीक है दोस्तों, यहां से यहां तक की हमको 70 mm दे रखी है। क्लियर आपको? ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे भी हमको हिडन लाइन, एक तो ये वाली तो हिडन लाइन आपको पता चल गया भाई, ये वाली तो है स्लॉट की, आपको देख के ही क्लियर हो रहा है कि ये स्लॉट की हिडन लाइन। अब मैं अगर बात करूं तो ये वाली हिडन लाइन आप देखेंगे, ये वाली हिडन लाइन किसकी आ गई, ये वाली हिडन लाइन किसकी आ गई। जब आप 3D मॉडल देखेंगे ना तो आपको प्रॉपरली दिखेगा। यहां पे ये देखिए आप, एक तो इसकी ये लाइन, एक इस कॉर्नर की लाइन, एक इस कॉर्नर की लाइन, ये तो तीनों लाइन इसकी है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है जी, क्लियर है। अब देखिए ये यहां पे आप देख रहे हैं, एक ऊंचा एक नीचा ये दिख रहा है। तो जब हम इधर से देखेंगे तो एक तो ये वाला हिस्सा दिखाई देगा और ये वाला हिस्सा आपका ऊंचा दिखाई देगा, हमको ये इस तरह से अलग दिखाई देंगे। यहाँ पे ये रेडियस है, इस वजह से एक ये रेक्टेंगल, एक ये थोड़ा ऊंचा रेक्टेंगल, इस तरह का यहाँ पे ये बन रहा है, आप देख सकते हैं। अब ये वाली हिडन लाइन की मैं बात करूं तो ये कौन सी हिडन लाइन है भाई, जो इसके पीछे छिप रही है, यहाँ पे ये वाली, ये वाली जो इसके जस्ट पीछे है, यहाँ नीचे वाली, तो ये वाली हिडन लाइन जो मैं बता रहा था ना, देखिए 6 mm नीचे है इस रेक्टेंगल के, 6 mm नीचे जो यहाँ पे स्टेप बना हुआ है, जो इसमें नहीं दिख रहा है, वो वाली हिडन लाइन हमको यहाँ पे दिखा दी है, ये इसकी हिडन लाइन है। और यहाँ बॉटम से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमको दे रखी 26 mm। ठीक है, तो इस तरह से ये ड्रॉइंग आपकी हो गई है कंप्लीट। अगर इसमें आपको कोई डाउट्स है
तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी तरफ से मैं पूरी 101% कोशिश करता हूं आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए। अगर आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी ड्राइंग सीखना, आप हमारा ड्राइंग का कोर्स ले सकते हैं, नॉलेज टीवी का ऐप है, उसमें फ्री वीडियोज भी मिलेंगे, फ्री कंटेंट मिलेगा, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और आप हमारा कोर्स भी वहां से ले सकते हैं। ड्राइंग से रिलेटेड सीएनसी वीएमसी इनसे रिलेटेड पीडीएफ फाइल्स भी मैंने वहां पे डाल रखे हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ साथ हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।